रूस ने पहले ग्लाइड बॉम्ब भेजे, क्या उसका मकसद था? सीएडी कहते हैं, सीएडी, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। और एक बार जब यूक्रेन के पास वैसे ही हथियारों की बहुत कमी है, एक बार जब उसके एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गए तो दनादन मिसाइल से बमबारी शुरू कर दी। आज जो रूस ने जो बमबारी की है, और हम आपको दिखा रहे हैं किन किन हथियारों का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया, हम सबसे पहले बात करेंगे उस कैलिब्र मिसाइल के बारे में। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक यानी आवाज की गति से कई गुना ज्यादा तेज चल सकती है। क्रूज मिसाइल आपको मालूम है ना, अमेरिका की जिस तरह टोमहॉक क्रूज मिसाइल थी, उसके जवाब में इसको रूस ने बनाया था। इसे युद्धपोत से आप दाग सकते हैं, इसे पनडुब्बी से आप दाग सकते हैं, और इन मिसाइलों का इस्तेमाल इस समय रूस कर रहा है। इसको रोक पाना यूक्रेन के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत कमजोर पड़ते जा रहे हैं, बहुत कम संख्या में उसके पास है। इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने सीरिया में भी किया था 2015 में, 1500 किलोमीटर तक यह बेहद अचूक वार करती है। फिर हम आपको बताते हैं किन बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल हो रहा है, और ये TU-160 और TU-95 के बारे में, ट्यूपोलोव कंपनी है ये। भारत के पास भी TU-142, लेकिन वो लंबी दूरी तक टोह लेने के विमान थे, भारतीय नौसेना के पास थे TU-142। इस समय जब हम जिन विमानों की हम बात कर रहे हैं वो TU-95 है, ये बमवर्षक विमान है। 70 साल पुराना अगर यह विमान है, लेकिन फिर भी लंबी दूरी तक भारी संख्या में यह बमों को ले जा सकता है और सक्षम है उनको गिराने में। यह बमों को भी मार दाग सकता है और मिसाइलों से भी लैस है। तीसरा जो बमवर्षक इस्तेमाल किया वो सबसे भारी बमवर्षक विमान है, लेकिन बहुत तेज तर्रार भी है, ध्वनि की रफ्तार से अधिक तेज चलता है, और इसे व्हाइट स्वान नाम दिया है रूस ने। कुछ दिनों पहले आपने और हमने यही रणभूमि में बात की थी अमेरिका B-1B बमवर्षक की, वो भारत भी आया था अमेरिका का B-1B, ये उससे ज्यादा तेज सफर करने में सक्षम है। तो इस तरह के हथियारों का अब रूस इस्तेमाल कर रहा है। एक तरह से जो हथियार विदेशियों ने, पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में भेजे थे, उनको तबाह कर दिया रूस ने। रूस अब ताकत का, रूस की ताकत का लोहा यूरोप और अमेरिका उसकी सेना के कमांडर मानने लगे हैं। भले ही खुले तौर पर कहने से हिचकिचाए, लेकिन पश्चिमी देशों की मीडिया जो कह रहा था ना, अरे रूस तबाह हो गया, रूस बर्बाद हो गया, रूस बिल्कुल अब घुटनों पर आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक ब्रीफिंग दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन जंग हारने की स्थिति में है। अमेरिका के जनरल्स ये कह रहे हैं कि जो बड़बोलापन अभी तक पश्चिमी मीडिया दिखा रहा था वो बड़बोलापन सही नहीं है। किस तरह, आप सुनिए और देखिए ये रिपोर्ट। रूस हार रहा है, रूस लहूलुहान है, रूस को हमने खदेड़ दिया। पूरा पश्चिम मीडिया रूस को लेकर ऐसी ही हवाबाजी कर रहा था, अब उसकी हवा एक अमेरिकी जनरल ने निकाल दी। जनरल क्रिस्टोफर कवोली ने अमेरिकी हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी के सामने रूस पर जो बयान दिया वो बाइडेन एंड कंपनी की पोल खोल कर रख देता है। रूस की ताकत का लोहा कोई और नहीं, अमेरिकी सेना का एक जनरल मान रहा है, और जनरल भी वो जो यूरोप में अमेरिकी कमान का सेनापति। अब जरा अमेरिकी राष्ट्रपति का 2 महीने पहले का बयान सुनिए। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा हुआ तो बाइडेन अचानक यूक्रेन पहुंचे। वहां से जब वो पोलैंड आए तो उन्होंने यूक्रेन को लेकर क्या क्या दावे किए देखिए। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यहां तक कह दिया था कि पुतिन यूक्रेन को कभी जीत नहीं पाएंगे। बाइडेन ने खोखली बातों से खूब तालियां बटोरी, लेकिन युद्ध बातों से जीते नहीं जाते, और यही बात अमेरिकी कमांडर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महीनों पहले से ऐसी चर्चा है कि अमेरिकी सेना के कमांडर लगातार बाइडेन को कह रहे हैं कि वो यूक्रेन युद्ध से अमेरिका को अलग कर दे, लेकिन बाइडेन हथियारों की बिक्री और चुनाव में सीना ठोकने के लिए युद्ध को जारी रखने पर तुले। देखिए कैसे अमेरिका की एक नेता बाइडेन को कह रहे हैं कि यूक्रेन अमेरिका का एक कॉमनवेल्थ राज्य नहीं, आप अपनी सीमाओं की रक्षा कीजिए। लेकिन अमेरिका आदत से मजबूर, दुनिया भर में जहां कोई विवाद होता है वो नाक घुसेड़ देता है, लेकिन अब उसकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही। सैन्य ताकत में रूस अमेरिका को टक्कर दे रहा है, कूटनीति में चीन अब अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। जेलेंस्की ने शांति के लिए अमेरिका को नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन किया। सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती चीन ने कराई, चीन इजराइल और फिलिस्तीन की दोस्ती कराने के लिए तैयार। इन सब के बीच अमेरिका की छवि युद्ध लड़वाने और उसे जारी रखने वाले देश की बनती जा रही।
अमेरिकी जनरल और नेता बाइडेन को अपना आईना दिखा रहे हैं। अगर अमेरिका अब भी नहीं समझा तो यूक्रेन के बाद पुतिन उसे समझा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।